आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूक्रेन रशिया टेंशन बहुत ज़्यादा हो गई है, हलचल काफ़ी तेज़ हो गई है दोस्तों। अभी यूक्रेन के रेबेल एरियाज़ को रशिया ने रिकग्नाइज़ किया है, तो चलिए हम बात करते हैं। ये रहा यूक्रेन, ये रहा क्रीमिया। क्रीमिया जो कि 2014 में यूक्रेन मतलब रशिया ने इसको एनेक्स कर लिया था। अब जब क्रीमिया आज़ाद हुआ तो डोनेस्क लुहांस ये वाले एरियाज़ ने डिमांड की कि हमको भी चाहिए आज़ादी। यहाँ पे प्रो रशियन थे सबके सब, कि रशिया को सपोर्ट कर रहे थे, तो क्रीमिया को एनेक्स किया। यहाँ हो गया रिबेलियन और रशिया इसको सेपरेट सपोर्ट कर रहा था। रशिया ने लुहांस और डोनेस्क को उस समय आज़ाद घोषित कर दिया कि ये आज़ाद हैं। तो एक तरीके से यूक्रेन का जो इतना एरिया है ये वाला 2014 से लेकर अभी तक बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। अभी एक आपको बताइए कि मिंग्स एग्रीमेंट करके साइन हुआ था, यहाँ पे जर्मनी फ्रांस रशिया सब बैठे थे और उन्होंने बोला कि सीज फायर होना चाहिए, लेकिन वो भूल जाइए आप। अब बात ये है कि रशिया ने इसको रिकग्नाइज कर लिया। इसका मतलब क्या है कि रशिया ने फाइनली इसको एक, देखिए आप भी अपना देश बना सकते हो अगर लोग रिकग्नाइज करना चाहें तो। नित्यानंद याद है, उसने कैलासा बनाया एक अलग देश, और अगर देशों ने उसको रिकग्नाइज किया तो कैलासा एक अलग देश हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि भाई ये एक अलग देश है, अलग देश हो गया रशिया के हिसाब से, पूरी दुनिया ने इसको रिकग्नाइज नहीं किया है, तो बहुत बड़ी बात है। यानी कि यूक्रेन का ये वाला पार्ट रशिया के हिसाब से अब अलग हो चुका है। और तब से लेकर अभी तक जबरदस्त शेलिंग हो रही है, जबरदस्त शेलिंग। 14,000 से 15,000 भाई यहां पे फाइटर्स ऑलरेडी तैनात हैं, जो कि यूक्रेन, अब देखिए ये नया वॉर फ्रंट है, ये बहुत ही चालाक बहुत ही जबरदस्त तरीके से रशिया ने ये खेल खेला है। क्योंकि रशिया को पता है कि देखिए वैसे तो 1.5 लाख के करीब सैनिक तैनात हैं, अमेरिका का आप समझ में आ गया कि अमेरिका युद्ध में तो नहीं ही जाएगा, ठीक है जो बाइडेन का कुछ समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन यह बिल्कुल पक्की बात है कि अमेरिका सैंक्शन ही लगाएगा। अगर रशिया कल को इन्वेड कर दे यूक्रेन को तो बहुत ही अनलाइकली है कि अमेरिका जाके लड़े, है ना। दूसरी चीज यह है कि ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये लुहांस और डोनेस्क ये वाला एरिया, यहां पे प्रो रशियन फाइटर्स है, रेबेलियंस है। तो अब जैसे ही ये रशिया का कदम आया, पुतिन का कदम आया, पुतिन ने ये बोला, तुरंत यहां पे जो शेलिंग्स हैं, जो गोलीबारी है वो बहुत तेज हो गई है। और अगर रशिया ने अभी और अपने सैनिक यहां पे भेज दिए तो भाई यहां से हमला हो सकता है यूक्रेन पे, ठीक है यहां से घुसेंगे बैंड बजा देंगे। कहते नहीं कि बड़ी चीज करने से पहले, जैसे आप जब वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुआ था 1939 में, तो हिटलर ने स्पैनिश सिविल वॉर में अपनी सेना भेजी थी, ठीक है वहां पे उसने वो सिविल वॉर को सपोर्ट किया था, एक नेट प्रैक्टिस थी वो। ये एक तरीके से नेट प्रैक्टिस हो सकती है, नेट प्रैक्टिस क्या, क्या पता यही लोग काम तमाम कर दें, लेकिन ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी एक नया फ्रंट खुल सकता है। तो ये भाई मास्टर स्ट्रोक रशिया ने, व्लादिमीर पुतिन ने खेला है। ये सेपरेटिस्ट एरियाज हैं, ठीक है ये 2014 के बाद से यहां पे बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई हैं। और बाकी आपको बैकग्राउंड पता ही है, रशिया मिलिट्री पोजीशंस आप देख सकते हैं, पूरे के पूरे यूक्रेन को घेर लिया गया है ना, घेर लिया है। यहां पे रशिया के पास जितने भी आधुनिक हथियार हैं सब यहां पे तैनात कर दिए हैं, जो उनके पास कुछ S-400 तक यहां पे तैनात हो चुका है। मिलिट्री पोजीशंस है, मिलिट्री पोजीशंस 10 गुना ज्यादा बड़ी आर्मी है। यूक्रेन पूरा यूरोप और अमेरिका पे निर्भर है, बाकी सारे देशों ने बोल ही दिया है, अमेरिका ने भी बोल दिया कि भाई निकलो जल्दी, अपने अपने सिटीजन्स को बोल दिया, एम्बेसीज को बोल दिया कि भाई जल्दी खाली करो। इसका मतलब कोई भी यूक्रेन को बचाने नहीं आ रहा। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के पहले स्टैंड अप कॉमेडियन थे, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, तो वो तो बहुत बोल रहे थे कि भाई नहीं नहीं साथ हैं हमारे नेटो, लेकिन ऐसा अब होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म रशिया पे हुए हैं। रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, रशिया ने कदम ले लिया, वही है कि अब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर जीत क्या फिर हार क्या, है ना, मतलब धार क्या मझधार क्या, तो वो हिसाब किताब यहाँ पे रशिया का हो गया है। व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि भैया अब हम ना डरने वाले, अब तो हमको जो मन होगा वही करेंगे, तुम करते रहो क्रिटिसाइज, बोल ही तो रहे हो, बोलने से क्या होता है, एक्शन तो ले नहीं रहे हो। तो पूरी दुनिया में क्रिटिसिज्म हुआ ईस्टर्न यूक्रेन के जो डोनेस्क और लुहांस के रीजन है, इंडिपेंडेंट एरियाज, और बाप रे
पूरी दुनिया ने सैंक्शंस लगाने रशिया पे शुरू कर दिए हैं, अमेरिका ने फाइनली ये डिसीजन ले लिया है। लेटेस्ट पॉइंट्स आप देख लीजिए, यहाँ पे एक पीपीटी और एक स्लाइड और थी शायद आगे है, ठीक है। तो हम एक एक करके पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। यूक्रेन की कैपिटल है कीव, ये अलग हो चुका है क्रीमियन पेनिनसुला। यूक्रेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए। तो सबसे पहले तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बोला है कि भाई देखो, यूक्रेन इज नॉट अफ्रेड, हम किसी से नहीं डरते हैं, हम खड़े हुए हैं, एकदम मुकाबला करेंगे बढ़िया तरीके से, और हमको क्लियर सपोर्ट मिल रहा है वेस्ट से। वॉयलेशन, हमारी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वॉयलेट किया तो अच्छा नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सही बात, ये एकदम सही है, ये है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ये एकदम सही है कि वेस्ट यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन लड़ाई में कल को अगर इन्वेड करता है रशिया तो मुझे नहीं लगता कि सपोर्ट, जिस तरीके से स्टांस रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये लोग लड़ाके भेजेंगे। सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने रशिया पे सैंक्शंस लगाए, यूरोप ने भी काफ़ी वो रशियन बैंक्स पे सैंक्शंस लगाए, 5 बैंक्स पे सैंक्शंस लगाए। जापान ने, मतलब जहां जहां से रशिया को मदद मिलती थी, जर्मनी ने बोला कि हम नॉर्ड 2 रोक देंगे। नॉर्ड 2 पूरी गैस पाइपलाइन है ना, नॉर्ड 1 थी, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। नॉर्ड 1 थी जहां पूरी गैस मिलती है रशिया को जर्मनी से, और अभी नॉर्ड 2 पाइपलाइन है, ठीक है। तो यानी कि वो सप्लाई और रुक जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी रशिया को। तो सैंक्शंस तो 2014 से लगाए हैं, अब और ज्यादा सैंक्शंस लगाए जाएंगे रशिया के ऊपर, आप समझ रहे हो। लेकिन आप ये देखो, ज्यादातर नेटो कंपनीज सॉरी कंट्रीज जो हैं, इकोनॉमिक एड को, ज्यादातर के सारी कंट्रीज जो है इकोनॉमिक एड जो मिलती है यूक्रेन को सपोर्ट कर दिया, यही इकोनॉमिक एग्रीमेंट, यही तो प्रॉब्लम है ना भाई। नेटो को यूक्रेन, जितने भी सोशलिस्ट रिपब्लिक थे, सोवियत में 16 देश थे, उसमें से 15 अभी नेटो का पार्ट है, ठीक है, 14, बाकी खाली सिर्फ यूक्रेन बचा है जो कि नेटो का पार्ट नहीं बना है। अब 2010 में भी ये क्राइसिस शुरू हुई थी, ठीक है, उसमें मैंने पूरा लेक्चर लिया। जब क्राइसिस शुरू हुई थी तो प्रॉब्लम यही थी कि जो इकोनॉमिक, जो यूरोप है वो यूक्रेन के साथ एक इकोनॉमिक एग्रीमेंट साइन करने वाला था। तो रशिया को ये पता था कि अगर इस तरीके का कोई एग्रीमेंट होता है तो भाई रशिया हमारे हाथ से निकल जाएगा, यूक्रेन हमारे हाथ से निकल जाएगा, यूक्रेन नेटो का सदस्य हो जाएगा। और यूक्रेन और रशिया, मतलब आप समझिए कि दिल और दिमाग, आत्मा बिना शरीर। तो रशिया ने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया कि सारे सोशलिस्ट कंट्रीज जो हैं, हमारे पास जितने भी कंट्रीज थे वो सब चले गए किसके पास, नेटो के पास, अमेरिका के पास, लेकिन हम यूक्रेन को नहीं जाने देंगे और किसी भी हद तक जा सकते हैं हम इसको रोकने के लिए। तो अभी ये हिसाब किताब चल रहा है, ठीक है। व्लादिमीर पुतिन ने सीधा बोल दिया है कि सबसे पहले तो अमेरिका यूक्रेन को मदद देना बंद करे, युद्ध रोकना है पहले तो अमेरिका और वेस्ट यूक्रेन को मदद देना बंद करे, सबसे बड़ी बात। फिर सैंक्शंस भी हमारे ऊपर से हटाए, और यूक्रेन को नेटो का मेंबर नहीं बना सकते तुम, चाहे जो हो जाए। सीधा सीधा यहां पे रशिया ने बोल दिया, व्लादिमीर पुतिन ने बोल दिया है, ये अगर कर सकते हो तो हम कोई भी युद्ध नहीं करेंगे, मतलब एक तरीके से वार्निंग है, ठीक है। यानी कि युद्ध अब हो के ही रहेगा। अब वो कैसे होता है, मुझे तो लग रहा है डोनेस्क एरिया से ये लोग पहले रिबेल और उसके बाद पूरी रशिया की आर्मी पीछे बैक करते हुए यूक्रेन को ओवररन करेगी। अब देखेंगे फिलहाल वो कैसे होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन सपोर्ट करता है। देखिए मेजॉरिटी जो है वो सब सपोर्ट करते हैं, इकोनॉमिक एड जो वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को प्रोवाइड करते हैं इकोनॉमिक एड, तो सब के सब सपोर्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे ही रशिया ने रिकॉग्नाइज किया और व्लादिमीर पुतिन ने यह बोला कि भाई अब दोनों जो ट्रूप्स है दे विल ब्रेक अवे टू कीप द पीस, जब ये हुआ नहीं हां तो उसके बाद ये तो चलिए ठीक है। तो यहां पे पूरी दुनिया में हलचल हो गई, पूरी दुनिया में ट्रूप्स, टैंक्स, आर्टिलरीज सब के सब इस एरिया में आने लगे। अमेरिका ने भी सोचा कि यार एकदम से क्या हो गया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये इमरजेंसी मीटिंग आज रात 9 बजे करेगी, ये जहां पे इंडिया भी एक स्टेटमेंट देगा, भारत का क्या स्टैंड रहेगा, मतलब आज क्या कल था ये, तो वो देखेंगे। मॉस्को का ये जो डिसीजन है, इट्स अ वॉयलेशन ऑफ द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ यूक्रेन एंड इनकंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये तो सही बात है बिल्कुल, रशिया बिल्कुल अलग तरीके से चल रहा है, मतलब उसको किसी का वो कुछ भी करेगा, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। अब हम ये पुराने जमाने में नहीं है, 1940s की युद्ध हो रहा है, ये अब नया जमाना है भाई। एक देश दूसरे से इंटर रिलेट करता है, एक देश डूबेगा ना डोमिनो इफेक्ट, सब डूबेंगे साथ में।
तो बड़ा मुश्किल रहेगा। अमेरिका ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि भाई कोई भी नया इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, फाइनेंस अमेरिकन्स नहीं करेंगे। यूरोप ने भी बैंकों पे सैंक्शंस लगाए, बैंक्स पे सैंक्शंस लगाए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सब जितने भी देश हैं वो सैंक्शंस लगाने अब यूरोप ने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। और इससे रशिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि अगर तुम वही है कि सागर में रह के मगरमच्छ से बैर, तो भाई यूरोप कुछ भी करो उनके पास बहुत पैसा है, ये लोग बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। जर्मनी से अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन फिर भी अब वो नॉर्ड पाइपलाइन का भी हिस्सा, वो भी अब उसको भी रोकना, तो एक तरीके से रशिया बिल्कुल अलग हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने ये बोला है कि आई साइन एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और विल ऑल्सो प्रोवाइड अथॉरिटी टू इम्पोज सैंक्शन ऑन एनी पर्सन डिटरमिन्ड टू ऑपरेट इन दोज एरियाज ऑफ द यूक्रेन। ये लुहांस्क और डोनेस्क एरिया अभी रशिया पे थे, लुहांस्क और डोनेस्क में भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, अगर करोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा, सब वहां पे भी सैंक्शन लगाएंगे। जापान भी अमेरिका इस सैंक्शन को, जापान का यूरोपियन यूनियन हर कोई इसको मतलब ज्वाइन करेगा, क्योंकि मिंस एग्रीमेंट का ये वॉयलेशन है। मिंस एग्रीमेंट बेसिकली जो रिबेल एरियाज है ना, सीज फायर, कि भाई युद्ध रिबेल एरियाज में भी 2014 से लेकर अभी तक युद्ध चल रहा है, ठीक है, लेकिन अभी 15,000 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं, तो वहां पे सीज फायर कैसे हो, शांति बनाए रखेंगे। अभी सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था कि हाँ सीज फायर होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर कल जो रशिया व्लादिमीर पुतिन ने किया ना कि भाई रिकॉग्नाइज कर रहे हैं हम, अब उससे फिर बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो रही है। नेसेसरी टू टेक अ लॉन्ग ओवरड्यू डिसीजन टू इमीडिएटली रिकॉग्नाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ द टू रीजन एंड एंग्री पुतिन सेड। तो व्लादिमीर पुतिन और इधर जो बाइडन लगातार टेलीवाइज स्पीच, व्लादिमीर पुतिन भी लगातार टेलीवाइज स्पीच, हालांकि भी जो बाइडन ने सीधा बोला था फोन करके व्लादिमीर पुतिन को, बंद कर दो भाई, अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे, याद रखना। तो इन्होंने बोला ठीक है, और यूक्रेन को एक पपेट बोला, बाप रे बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, व्लादिमीर पुतिन ऐसा बोल रहे हैं कि ये तो वेस्ट की एक कठपुतली है। ये आप वर्ड्स के पीछे की चीजें समझिए, इसका मतलब यही है कि भाई अब तुमको बहुत फ्रीडम दे दी, जैसे पिताजी ने कहते बहुत फ्रीडम दे दी, अब हम नकेल कसेंगे तुम्हारी। एज फॉर दोज हु सीज्ड एंड होल्ड द पावर इन कीव, वी डिमांड एन इमीडिएट एंड टू देयर मिलिट्री ऑपरेशन। ये इन्होंने बोला है कि मिलिट्री ऑपरेशन जो वेस्ट यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, किसी भी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, उसको बंद करो, हम युद्ध रोक देंगे, अगर नहीं किया तो प्रॉब्लम होगी। यूनाइटेड किंगडम ने भी वार्न किया है फर्दर सैंक्शंस के लिए। रशिया के लेटेस्ट डिसीजन, फॉरेन सेक्रेटरी लिज ट्रस ने ट्वीट किया, इट डेमोन्स्ट्रेट रशियाज डिसीजन टू चूज अ पाथ फॉर कन्फ्रंटेशन ओवर डायलॉग। बिल्कुल, जिस तरीके से रशिया स्टेटमेंट दे रहा है, गोइंग टूवर्ड्स कॉन्फ्रंटेशन, लड़ाई तो तय है। ग्लोबल मार्केट्स, अभी मैं एक लेक्चर करूंगा, 7 से 8 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, 7 से 8 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं, तो ग्लोबल मार्केट में आपको जबरदस्त फॉल देखने को मिलेगा, पैसा ऐसा बचा के रखे भाई अपना। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने जबरदस्त पुतिन को गालियां दी और बोला कि भाई बहुत ही अनएक्सपेक्टेबल है, क्योंकि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, इट्स अनप्रोवोक्ड, अनवॉरेंटेड। क्या भाई क्या है, व्हाट द हेल इज दिस, तुम बोल रहे हो कि ये तो तुम्हारी सेना है, इट इज फॉर पीस कीपिंग। हो भी सकता है शायद पुतिन कभी हमला ना करें, यस, बहुत ही स्लाइट पॉसिबिलिटी है, वो सिर्फ इसीलिए हो सकता है उन्होंने, क्योंकि अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, हो सकता है उन्होंने इसीलिए ही इतनी सेना तैनात करके रखी, क्योंकि अमेरिका को एक मैसेज दे कि भाई हम इस हद तक जा सकते हैं अगर तुमने एक्सपेंशन बंद नहीं किया तो। यह भी हो सकता है, लेकिन मुश्किल है ऐसा। तो ये तो आपको पता ही कि 1.5 लाख ट्रूप्स जो हैं वो यूक्रेन बॉर्डर पे हैं। तो देखेंगे फिलहाल दोस्तों आगे क्या होता है। फिलहाल जैसे ही ये डिसीजन है, हलचल शुरू हो गई है और शेलिंग्स भी स्टार्ट हो गई, गोलीबारी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई, 1-2 लोगों की जान भी गई है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।